नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अवधेश एक्सपेरिमेंट माइंड गुरु चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3.7 और 4.2 वोल्ट पावर सप्लाई बना के दिखाऊंगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की जरूरत पड़ेगी और ये आईसी मात्र आपको 15-20 रुपए की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़े आसानी से मिल जाएगी। और इसके बाद हमें एक हीट सिंक प्लेट चाहिए। आप इसमें नई या पुरानी कैसी भी हीट सिंक प्लेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास हीट सिंक प्लेट नहीं है तो इसमें आप सिंपल एल्युमिनियम की पत्ती भी लगा सकते हैं या एलईडी बल्ब में जो हीट सिंक निकलती है उसे भी लगा सकते हैं। और आईसी और हीट सिंक को कसने के लिए हमें एक स्क्रू पेच चाहिए, 3 हमें 4007 डायोड चाहिए और 1 1K का रेजिस्टेंस चाहिए। और इंडिकेटर के लिए हमें ग्रीन एलईडी चाहिए। और इसके बाद हमें एक 10 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर चाहिए और एक कैपेसिटर हमें 50 वोल्टेज 100 माइक्रोफैरेड का चाहिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस आईसी और हीट सिंक को इस पेच में कस लेना है। और इसकी ये 3 पिन है, बीच वाली पिन जो है हमारी ये माइनस की है, कॉमन है, और ये आउटपुट सप्लाई की है और ये इनपुट की है। आउटपुट सप्लाई और इनपुट वाली पिन को हमने दोनों साइडों में मोड़ दिया है। इसके बाद हमें 50 वोल्टेज 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा लेना है। देखिए, इस कैपेसिटर में हमारी 2 लेग हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। माइनस वाली लेग को आईसी की बीच वाली लेग पे लगा देंगे, ये माइनस की है इस पोजीशन में। अब देखिए, इसके बाद हमें एक 4007 डायोड लगा लेना है। इसमें 2 पिन है, एक ये प्लस की है और इसके पीछे एक माइनस की है। जो व्हाइट साइड होती है ये प्लस की होती है और ब्लैक साइड होती है जो माइनस की होती है। तो हमें व्हाइट साइड जो है आईसी की इनपुट पिन और कैपेसिटर की प्लस पिन दोनों पे इस पोजीशन में लगा देना है इसे। इसके बाद हमें इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाना है और ये 10 वोल्टेज 1000 माइक्रोफेरेड का है। इसमें 2 पिन है, एक जी प्लस की है और एक माइनस की है। माइनस पर ये लिखा हुआ है या माइनस, तो हमें माइनस वाली पिन जो है वोल्टेज रेगुलेटर की माइनस वाली पिन पे इस पोजीशन में ये लगा देना है। अब हमें वोल्टेज रेगुलेटर की आउटपुट वाली पिन पे हमें एक 4007 डायोड लगा देना है और इसकी प्लस साइड हमें आगे को ही रखनी है। अब इसके बाद हमें एक 4007 और डायोड लगा लेना है और इस डायोड की प्लस पिन को हमें आगे को रखना है और माइनस पिन को इस डायोड से लगा देना है। देखिए, इसके बाद अब हम इंडिकेटर के लिए ग्रीन एलईडी लगाएंगे और इसकी 2 लेग है, एक बड़ी लेग है एक छोटी। बड़ी लेग इसकी प्लस की होती है, छोटी लेग माइनस की होती है। अब इस एलईडी की प्लस पिन को हम इस कैपेसिटर की प्लस पिन पे इस पोजीशन में लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगा लेना है और इसमें प्लस और माइनस कुछ नहीं होता है, उल्टा सीधा आप कैसे भी ला सकते हैं। तो हमें आईसी की माइनस वाली पिन पे इस पोजीशन में लगा लेना है। देखिए, इस सर्किट में हमने 2 वायर लगाए हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड वायर हमारा प्लस का है जो कि डायोड के पीछे लगा हुआ है और ब्लैक वायर हमारा माइनस का है। और ये वोल्टेज रेगुलेटर की आईसी की बीच वाली पिन जो है ये माइनस की है, कॉमन माइनस है इसका। अब देखिए, इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। इसमें हमने पावर सप्लाई दे दी है और इसका ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है। हमने अपना मल्टीमीटर जो है 20 वोल्टेज पर डीसी पर सेट कर रखा है। मल्टीमीटर के हम माइनस वाली पिन को वोल्टेज रेगुलेटर की बीच वाली पिन पर लगाएंगे क्योंकि ये माइनस वाली पिन है और प्लस वाली पिन को हम इस डायोड के पीछे लगाएंगे इनपुट सप्लाई पे। देखिए, इसमें लगभग 13 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज बनने हैं। अब देखिए, इसके बाद हम इसकी आउटपुट की सप्लाई चेक करेंगे तो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का माइनस जो है कॉमन यही है। देखिए, यहाँ हमारे 5 वोल्टेज आएंगे वोल्टेज रेगुलेटर के आईसी पे, यहाँ 5 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ हमारे 4.2 वोल्टेज करीब आएंगे। इस समय इस पर लोड नहीं है, थोड़ा हल्का ज़्यादा दिखा रहा है, 4.4 दिखा रहा है। और यहाँ आएंगे 3.7, ये 3.8 दिखा रहा है क्योंकि लोड नहीं है। अगर आपको 3.3
7 वोल्ट चाहिए तो इस पॉइंट पे आपको प्लस का वायर लगाना है, और आपको 4.2 चाहिए तो इस पॉइंट पे आपको प्लस वायर लगाना है, और 5 वोल्ट चाहिए तो आपको यहाँ लगाना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।